हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, चारकोल के कितने सारे फायदे हैं ये हम सभी जानते हैं। ये हमारी स्किन के डीपली पेनिट्रेट डर्ट को भी खींच कर बाहर निकालता है, साथ ही ये सारी इम्प्योरिटीज को क्लियर करता है। दोस्तों, चारकोल के बेनिफिट पे एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। चारकोल आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आज हम रिव्यू करेंगे गुड वाइब्स के एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क का। चारकोल में जब पीलिंग टेक्निक को ऐड किया जाता है तो इसका कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, ये फेस मास्क आता है 249 रुपीस में और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 100 ग्राम। मैंने इसको अराउंड 160 रुपीस में खरीदा था, जो कि काफी अफोर्डेबल है। हमेशा ऑनलाइन सेल चलती रहती है तो आप उसमें इसको खरीद सकते हैं। ये काफी बजट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से इसे खरीद लें। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये एक व्हाइट कलर के ट्यूब में आता है जिसपे थोड़ा सा ब्लैक कलर है, जो कि चारकोल का इफेक्ट देता है। इसमें एक फ्लिप ओपन कैप है जो कि आसानी से ओपन और क्लोज होती है। इसमें आपको बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई नहीं करना होता। ये एक ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है जिसको आप कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक चारकोल पील ऑफ मास्क है और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपके डल स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसमें यूज चारकोल आपके फेस को डीप क्लीन करता है और आपके फेस से व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स और डेड स्किन सेल्स को बाहर निकालता है। साथ ही आपके फेस को हार्मफुल रेडिकल से भी बचाता है। ये मास्क ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, पर स्पेशली इसे डल स्किन वालों के लिए बनाया गया है। तो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की, तो गुड वाइब्स के सारे ही प्रोडक्ट की तरह इसमें कोई पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है या फिर मिनरल ऑयल नहीं है। साथ ही ये क्रुएल्टी फ्री है। इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, साइट्रिक एसिड और ग्लिसरीन। साथ ही हमारा स्टार इंग्रेडिएंट एक्टिवेटेड चारकोल। तो बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर में है और काफी थिक है, जिससे ये आपके पूरे फेस पर इवनली स्प्रेड हो जाता है। इसमें थोड़ा सा एलोवेरा, ग्लिसरीन और चारकोल की स्मेल है। ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे इसकी स्मेल ना तो बहुत अच्छी लगी ना तो बहुत ही ज़्यादा खराब। ये बहुत ओके टाइप स्मेल है। अब बात करते हैं इसको आपको लगाना कैसे है। तो इसे आपको पूरे फेस पर इवनली स्प्रेड करते हुए लगाना है, पर आपको अपने आँखों के आसपास की एरिया को बचा कर रखना है, क्योंकि आँखों के आसपास की एरिया काफ़ी थिन होती है। जब आप इसको पील करेंगे तो आपको इचिंग हो सकती है। इसको लगाने के बाद 25 मिनट वेट करें। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो आप इसे अपने हेयर ग्रोथ के अपवर्ड डायरेक्शन में इसे पील करें। तो पील करने से आपके फेस के सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और जितने भी छोटे छोटे फेशियल हेयर होंगे वो सारे ही निकल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की और इसका मेरे ऊपर इफेक्ट की। तो इसका अमेजिंग रिजल्ट है गाइस। ये आपके फेस के सारे डर्ट, इम्प्योरिटीज को निकाल देता है। ये आपके फेस के सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव कर देता है। साथ ही आपके फेशियल हेयर की तो पूछो ही मत, या आपके फेस के जितने भी छोटे छोटे हेयर हैं, रोए हैं, उन सब को निकाल देता है। अगर आपके फेशियल हेयर थोड़े से थिक हैं या फिर जॉ लाइन के आसपास जो हमारे हेयर थोड़े से थिक और बड़े होते हैं, वहाँ आपको इसे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज इतना पेन नहीं होता जैसा कि सब बोलते हैं, उतना ही पेन होता है जितना कि एक पील ऑफ मास्क में होता है। मेरे हिसाब से तो ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। मैं सजेस्ट करूंगी आप थोड़े से डल फेस पर इसको यूज करें, तब आप इसका रिजल्ट इजीली देख पाएंगे। ये एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, सो गाइस जस्ट गो फॉर इट। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करें।